गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, हम एंट्रोपी के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सॉलिड और लिक्विड्स के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर के सापेक्ष एंट्रोपी चेंज कितना होता है। आज हम बात करेंगे कि आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी चेंज हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस। एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस। माना कि एक मोल आइडियल गैस है जिसका प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी है और टेम्परेचर क्या है, टी है। इस गैस को हम रिवर्सिबली एक्सपेंड करवा रहे हैं। तो मान लीजिए, जब रिवर्स गैस को रिवर्सिबली एक्सपेंड किया गया तो सिस्टम ने सराउंडिंग से डीक्यू हीट अब्सॉर्ब की। तो डीक्यू हीट अब्सॉर्ब की तो सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज है, यानी सिस्टम में जो एंट्रोपी चेंज होगा वो क्या होगा, डीएस डीक्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डीक्यू रिवर्सिबल इक्वल टू होता है डीई प्लस डी डब्ल्यू, या फिर लिखूं डीक्यू रिवर्सिबल इक्वल टू DE माइनस PD। वी नो दैट डेल E अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट V इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो हम लिख सकते हैं DE इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CV DT लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी प्लस PD। तो DQ रिवर्सिबल इक्वल टू क्या आएगा, CV DT प्लस पीडी भी आएगा। ठीक है, तो ये जो डीक्यू की वैल्यू है ये इस इक्वेशन में रखेंगे। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या है, इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन सेकंड से डीक्यू की वैल्यू जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, डीएस इक्वल टू आएगा सीवी डीटी प्लस पी dv, यानी p अपॉन t d। फॉर आइडियल केस pv इक्वल टू rt, तो p अपॉन t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p अपॉन t यानी r अपॉन v लिख सकते हैं। सो ds इक्वल टू क्या आएगा, ds इक्वल टू आएगा cv अपॉन t dd प्लस आर अपॉन वी डी। अब माना कि जब गैस एक्सपेंड हुई तो उसका जो टेम्परेचर था वो टी वन से क्या हो गया, टी टू हो गया, और जो वॉल्यूम था वो वी वन से क्या हो गया, वी टू। सो डेल एस इक्वल टू क्या होगा, यानी कि समझ जो एंट्रोपी थी मान लीजिए वो एस वन से क्या होगी, एस टू होगी। ठीक है, एस वन से एस टू सीवी बाई टी डी टी, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, टी वन से टी टू प्लस आर अपॉन वी, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, वी वन से वी टू डीवी। अब ये मान लीजिए कि जब टेम्परेचर T1 से T2 हुआ तो CV का मान चेंज नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि जो हीट कैपेसिटी है उसका मान चेंज नहीं हुआ, तो हम लिख सकते हैं डेल एस, यानी ये क्या होगा, S2 माइनस S1, तो क्या आ गया, डेल एस इक्वल टू CV T1 से T2 1 बाई टी डी टी प्लस R, वैसे ही कॉन्स्टेंट है, 1 बाई वी, V1 से V2 dV। तो डेल एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, CV ln T2 by T1 plus R ln V2 by V1। अगर n मोल के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, डेल एस इज इक्वल टू एन सी वी एलन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एलन वी टू बाई वी वन। अगर ln को लॉग में कन्वर्ट करें तो डेल एस 2.303 n cv log t2 by t1 plus 2.303 n r log
V2 by V1। ये आइडियल केस के लिए एंट्रोपी चेंज है, ठीक है। अगर वॉल्यूम की जगह हम प्रेशर यानी ये वाले टर्म की जगह अगर प्रेशर की टर्म दिखाएं तो हम जानते हैं कि फॉर आइडियल केस यानी कि P1 V1 फॉर आइडियल केस P1 V1 अपॉन PV इक्वल टू D1 इक्वल टू क्या होता है R इक्वल टू होता है P2 V2 T2, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं ये दोनों टर्म इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं V2 by V1। ये V1 इधर चला गया तो क्या आएगा P1 P2 divided by P2 T2। यानी V2 by V1 की जगह क्या लिख सकते हैं P1 T2 P2 T2। एक मिनट, P1 T2 और P2 T1। तो लिखेंगे ∇S=NCV ln P2 by T1 plus NR ln P1 T2 P2 T1, ठीक है। ∇S=NCV ln T2 by T1 plus NR। देखिए ये क्या है, A गुना B, तो जब इससे होगा तो ये क्या होगा NR ln A plus NR ln B। तो क्या आएगा NR ln P1 by P2 plus NR ln T2 by T1। ∇S=NCV ln T2 by T1 plus NR ln P2 by T1 plus NR ln P1 by P2। तो इनमें से कॉमन क्या है, इनमें है कॉमन CV plus R और आ जाएगा N ln T2 by T1 plus NR। CV plus R क्या होता है, देखिए CP minus CV equal to क्या लिखते हैं R, यानी CV plus R क्या होगा CP। तो लिख सकते हैं ∇S=, क्या लिखेंगे CP ln T2 by T1 plus NR ln P1 by P2। या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं ∇S=NCP ln T2 by T1, इसको रिवर्स करेंगे तो माइनस NR ln ऊपर क्या जाएगा P2 नीचे P1। ये क्या होता है, आइडियल केस के लिए एंट्रोपी चेंज होता है। अगर लोग में कन्वर्ट करें तो लोग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर एक मोल की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं ∇S=, क्या लिखेंगे CP ln T2 by T1 minus R ln P2 by P1। या फिर लिख सकते हैं ∇S=2.303 CP log T2 by T1 minus 2.303 R log P2 by T1। ये क्या है, आइडियल केस के लिए एंट्रोपी चेंज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासियस इन इक्वेलिटी, यानी क्लासियस असमानता क्या होती है। क्लासियस इन इक्वेलिटी, क्लासियस असमानता, देखिए हमने ये पढ़ा था कि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान सिस्टम के द्वारा अब्सॉर्ब की गई या इमिट की गई हीट और
जिस ताप पर ये उष्मा अब्सॉर्ब की गई है या इमिट की गई है उसका जो अनुपात होता है वो उस सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कहलाता है, यानी उस सिस्टम के एंट्रोपी चेंज के बराबर होगा। यानी हमने क्या पढ़ा था, डीएस रिवर्सिबल इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई डी। यानी कि जब भी किसी सिस्टम के द्वारा रिवर्सिबली रूप से उत्क्रमणीय रूप से उष्मा का अब्सॉर्प्शन या इमिशन किया जाता है और जिस टेम्परेचर पर ये अब्सॉर्प्शन और इमिशन होगा उसका जो रेशियो होगा वो उस सिस्टम में एंट्रोपी चेंज के बराबर होगा। लेकिन क्लासियस ने ये कहा कि अगर प्रोसेस इरिवर्सिबली रूप से हो रहा है, यानी कि प्रोसेस अगर अनुत्क्रमणीय है, तो जो हीट अब्सॉर्ब या इमिट होगी वो जो हीट होगी और जिस ताप पर ये हीट अब्सॉर्ब या इमिट होगी उसका जो रेशियो होगा वो एंट्रोपी चेंज से क्या आएगा, कम आएगा। यानी कि क्लासियस इनइक्वालिटी क्या कहती है, डीएस इरिवर्सिबल ग्रेटर देन डी क्यू इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाय डी। यानी कि अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान जो भी हीट अब्सॉर्ब की जा रही है या इमिट की जा रही है उस और जिस ताप पे वो हीट अब्सॉर्ब या इमिट की जा रही है उसका जो रेशियो होता है वो एंट्रोपी चेंज के कंपेयर में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, क्लासेस इन इक्वालिटी कहलाती है, क्लासेस असमानता कहलाती है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।